हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं, स्टार्ट हो गया, कितनी अर्निंग आ रही है, कितना कमा रही है, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम उनका कुछ करके दिखाने जाते हैं, बाकी जो नेगेटिव बोल रहे हैं यार तुम लोग बोल, मेरे मतलब लोगों ने इस टाइम क्या फेसबुक के बाद आपके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, वो फिलहाल फिलहाल मोनेटाइजेशन के बाद आपके पास आसमान से डॉलर गिर रहे हैं, मेरे पास मैंने तो जी वैगन ऑर्डर कर लिया, मैंने और इकरा ने एक हफ्ते अप्लाई नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सब लोगों ने टाइटल तो देख लिया होगा कि हमारा चैनल मोनेटाइज है या नहीं, हमारा चैनल मोनेटाइज है या नहीं, ये सब जानने के लिए जो है ना आप लोग भी इस वीडियो को खोल के आए। आपने बिल्कुल सही वीडियो ओपन की, बिल्कुल सही आपने वीडियो ओपन किया। अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ना एक वीडियो बनाई थी, हमने उस वीडियो में ये बताया था कि गाइस अभी हम मोनेटाइज नहीं हुए, बस इतना सारा है कि मोनेटाइज होने के लिए हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं, क्योंकि सब आप कह रहे हैं कि यार तुम लोग के थोड़े व्यूज भी अच्छे होने लग गए हैं, थोड़ा सा तुम लोग की वीडियो क्वालिटी भी अच्छी लग होने लग गई है, थंबनेल इतने प्यारे प्यारे हैं, थंबनेल भी आपके अच्छे लग गए, बनवाते हो तुम लोग कहां से बनवाते हो, तो यार ये सब जानने के लिए आपने सबसे पहले ना, अगर आप इस वीडियो पे आ गए तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको वीडियो एडिट के थंबनेल के हर किस्म के ट्यूटोरियल मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तो हम अपनी जो वीडियो थी ना उससे और हट गए कि हमारे हम वीडियो क्या बनाते हैं, मोनेटाइज किए हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये कहानी है 16 सितंबर की, ठीक है, 16 सितंबर 2024। यस, कि जब आपका 4000 वॉट टाइम पूरा होता है, आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, तो आपको ना यूट्यूब की तरफ से ना एक मैसेज आ जाता है कि आपने ना यूं मतलब अप्लाई नाउ करना है, 30 अगस्त इस 30 या 1 सितंबर इस टाइम पीरियड के बीच में ना हमें एक पोस्ट में आया कि अप्लाई नाउ मतलब आप कर सकते हैं। तो अब ये एक बात आपके नॉलेज में ये इजाफा करती चलूं कि यूट्यूब का एल्गोरिथम जो होता है ना वो हमसे 1 वीक जो होता है ना वो पीछे होता है। हमारा जो वॉच टाइम था ना वो हमारा बहुत पहले कंप्लीट हो रहा था, लेकिन मैंने और इकरा ने बहुत ज्यादा सुस्ती दिखाई और हम लोगों ने ये चीज लेके 1 साल से प्लस 1 ईयर में होते हैं 365 डेज, और हम 365 डेज में अपना वॉच टाइम इसीलिए पूरा नहीं कर सके, हमारा पूरा हो जाता, लेकिन अब 365 डेज प्लस हो गए हैं तो पीछे का जो वॉच टाइम था ना वो होता रहा माइनस माइनस माइनस, जिस वजह से हमारा इतना डिले चला गया था। बताना चाहते हैं कि 1 ईयर में भी आप अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं, अपना वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं, हमने इससे नहीं किया क्योंकि हम दोनों यार मैं कहती हूँ कि 365 डेज एक बहुत ज्यादा दिन है, बहुत बड़ी मतलब एक चीज है 365 डेज। अगर 1 वीक का ब्रेक लेके हम डालते थे इस वजह से हम लोग 1 ईयर में नहीं कर पाए, वरना हम 1 ईयर से पहले ही कर लेते दूसरा है ना, तो उससे हम नहीं कर पाए। तो न्यू चैनल वाले उनको ये बताना चाहूंगी कि यार आप लोग कर सकते हो, आप 1 ईयर में भी कर सकते हो, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 365 डेज में आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि 365 डेज में पूरा कर लो, अगर 365 डेज में नहीं पूरा होगा तो आपका जो पीछे का वॉट टाइम है ना वो माइनस होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। और मुझे याद है जब हमारा 365 डेज पूरा होने लगे थे तो हमारे सिर्फ 5 वॉट टाइम रह गया था, और उस 5 वॉट टाइम के लिए हम लोग अगस्त तक किसी टेके बहुत ज्यादा मतलब 500 वॉट टाइम पूरा करने के लिए हम 5 महीने चलते रहे, इसीलिए क्योंकि हमारा जो पीछे का वॉट टाइम था यार वो माइनस हो रहा, माइनस हो जाता 30 सितंबर को या 1 सितंबर को ना यूं इस तरह मेल आ गया। अच्छा, मैं और इकरा थे डाउट में, हम लोग डाउट में चले गए जी, हमें जाहिर सी बात है हमारा नया नया यूट्यूब था, हमें कुछ पता नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, मैंने और इकरा ने 1 हफ्ते अप्लाई नहीं किया, हमने अप्लाई नहीं किया, हम लोगों ने अभी कर दिया तो बैंक अकाउंट वगैरह वो सब डिटेल्स जाननी पड़ेंगी, तो हमें क्या पता था कि, और क्योंकि हमने ये बात भी सुनी थी कि यार लाइट बैंक और मिजान बैंक और ये सारा कुछ जो था ना सिस्टम बड़ा होगा, ये मोनेटाइजेशन की बात की बातें हैं जो हम आपको अगली किसी वीडियो में बताएंगे। अप्लाई नाउ हम लोगों ने 1 हफ्ते बाद अप्लाई किया, ये पहला स्टेप तो मैंने उसी वक्त कर दिया, दूसरा स्टेप जो है ना मैंने 1 हफ्ते बाद मैंने उसके लिए अप्लाई किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, औज़ुबिल्लाहिर्रजीम पढ़ के, एंटी सिबलिंग्स के लिए और सब कुछ। यार वीडियो खत्म होने से पहले या शुरू होने से पहले ना आप सबने ना हमारे 5K करवाने, हम लोगों ने जब अप्लाई ना फाइनली कर लिया था तो उसके बाद 1 वीक हमें लगा प्रोसेसिंग में, यूट्यूब आपका चैनल जो है ना वो चल जाता है प्रोसेसिंग में, वो आपको एडसन अकाउंट बनाना पड़ता है, एडसन अकाउंट अगर आपको पहले से बना हुआ है तो उसे आप लिंक कर सकते हो, अगर आपका बिल्कुल नहीं बना हुआ आप न्यू हो तो आप लोग उसे न्यू क्रिएट करो और उसे लिंक करो, तो उस प्रोसेसिंग में आपका 1 मंथ भी लग सकता है, 2 to 3 वीक्स भी लग सकते हैं, तो हमारा टोटल 1 वीक लगा था। और होता ये है ना कि मतलब
एक महीना तो कहीं भी नहीं गया आपका चैनल मोनेटाइज होते हुए, मतलब वहां पे डॉलर लिखे आने का ना आपको एक महीना लगता है, ठीक है। मैं मेरी यू दिख रहा है किस्मत पता नहीं अच्छी थी या मतलब अल्लाह ताला ने, हमारा जो पिछला जो टाइम था एक डेढ़ साल जो हम लोग कर रहे थे वो सारी स्ट्रगल शगल पता नहीं इसको कहेंगे कि स्ट्रगल ही कहेंगे बस मुझे नहीं पता, लेकिन जो था ना बैग मतलब हम लोगों ने बहुत वेट किया इस चीज का। खैर हुआ ये कि ना मतलब हम लोगों ने अप्लाई वगैरह कर दिया, तो मैंने अप्लाई करने के बाद कुछ वीडियोस देखी, लोग ये कह रहे थे कि हमारा एक महीना लगता है, ये है वो है फलां फलां, और मेरे दिल में डर भी लग रहा था कि मतलब अगर आप लोग जो है ना अगर उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा नया गूगल एडसन बनाओ। तो मुझे ना यही था कि यार मुझे लगा कि मैंने ना गूगल एडसन पहले इस जीमेल में बना ली है, तो मैंने ना जब अप्लाई कर दिया तो मैं ना दो दिन तक बड़े ना उसमें सदमे में थी कि ना हो कि मैंने पहले से इसमें गूगल एडसन बनाया हो तो उसके रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि यूजली हमें ये होता है कि ना आपको अगर पहले से गूगल एडसन बना हुआ है मतलब अगर आपने बनाया है तो आप उस पर ना करो, आप नया बनाओ। तो हमने मुझे ना डाउट था, मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि मैंने इस जीमेल में बनाया कि नहीं बनाया। खैर मैं उसी सदमे में थी, तो एक हफ्ता गुजर गया, मतलब मैं अपने दिल को ये समझा लिया कि महीना वेट करना है और यूं इस तरह ना समझा लिया अपने दिल को। तो जब एक हफ्ता भी गुजरा तो ना स्क्रॉल हर वक्त करती थी यूट्यूब खोल के कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ चेंजेस आएंगे। स्टेप टू जब हमारा कम्प्लीट हो गया तो जब थ्री का ऑप्शन आ गया ना तो मैंने घिसरा होता है, और जब थ्री कम्प्लीट हो गया हमारा तो मैंने घिसरा होता है। दूसरा स्टेप तो हमारा बिल्कुल नामुमकिन वाली बात थी यार, हमें बिल्कुल ये पता था कि यार एक महीना जाकर ने बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बात की यार, दूसरा स्टेप कैसे हो गया। हाँ बहुत जल्दी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। कैसे क्या हो गया, मतलब अल्लाह का शुक्र था अगर अल्लाह का शुक्र हो गया तो फिर जी दूसरा स्टेप हो गया। एक और मेन रीजन बताती हूँ हमारा क्यों हो गया, क्योंकि दूसरे स्टेप को छोड़ो हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं, वो हमारे 24 घंटे अब तक नहीं दो तीन दिन हमारे लगे ना, दूसरा दो तीन ही दिन नहीं पूरा एक दिन लगा उसके ऊपर, पूरा एक दिन लगा है, ठीक है। और दूसरी मैंने आप लोगों को ये बात बताया चलूँ कि जब तक आप जब आपकी वीडियो में अपनी वॉइस होगी, ठीक है, आपका अपना फेस होगा, सब कुछ आपका अपना होगा, आपने कोई कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं उठाया होगा ना। क्या मैं ये सोच रही हूँ, ये तो हमने बताया नहीं कि मोनेटाइज हुआ कि नहीं, हमने तो अपनी दुख पहले मैं बता रही हूँ ना, जब तक आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं होगा, आपकी अपनी वॉइस, आपकी अपनी पिक्चर्स, वीडियो सब कुछ होगा तो आपके फौरन मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन जब आप किसी की कॉपी करके उठा उठा के लाओगे तब आपको गारंटी नहीं है कि महीने हो गया साल हो गया। अच्छा तो हमारा पॉइंट ये था कि हमारी अपनी वॉइस थी, पिक्चर्स, वीडियो सब थी, तो उसे हम जल्दी हो गए मोनेटाइज। फिर ये हुआ 14 सितंबर को हमारा सेकंड स्टेप जो था ना वो हो गया था, और जो फिर 16 सितंबर आया था, 16 सितंबर को मैं वैसे ही सुबह सुबह उठी, दिमाग में ना उसी वक्त ये बात आई कि मैंने कहा कि यार यूट्यूब मोनेटाइज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। मैंने मोबाइल खोला, कोई ईमेल वगैरह नहीं आई हुई थी जीमेल के ऊपर ना, मोबाइल ना उसकी रिंग हुई ना, जीमेल लिखा हुआ था। आईफोन में ये होता है ऐप जो होता है ना हम ऑफलोड कर देते हैं, ऑफलोड करते हैं तो उससे हम ऐप ओपन नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सारी नोटिफिकेशन में बाहर आती होती है, तो उसकी ना नोटिफिकेशन सिर्फ आई जीमेल, सिर्फ जीमेल लिखा हुआ है और ऊपर शो नहीं हो रहा कि यार यहाँ पे हमें जीमेल क्या है, सिर्फ जीमेल लिखा हुआ है कि आपको नया कोई मैसेज आया जीमेल के ऊपर। सीधा मैंने यूट्यूब स्टूडियो खोला, अच्छा यूट्यूब स्टूडियो खोला तो यार मतलब वहां पे डॉलर साइन लिखा हुआ यार, मतलब मेरी खुशी की ना इंतहा थी। मैंने कहा कि यार ये हो क्या, कैसे गया। फिर मैंने फौरन कंक्लूजन हमारी इस वीडियो का ये है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। अपने घर वालों को भी कॉल की और मैंने उनसे कहा कि आज के बाद मेरे साथ आराम से बात करना, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मेरे घर वालों ने मुझे ना एक बस अच्छी बात सुना के कॉल काट दी। अच्छा अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, कि चैनल तो हमारा हो गया मोनेटाइज और ये सारी ये न्यूज हम लोग आपके साथ 16 सितंबर को शेयर कर देते हैं, लेकिन हमें ये डर था कि कुछ चैनल जो होते हैं ना मोनेटाइज होने के बाद डीमोनेटाइज भी हो जाते हैं, तो हमने कहा कि यार थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अभी तक सब कुछ चल रहा है। और उसके बाद ना यार एक मेन बात ये थी कि सब लोगों को लगता है कि चैनल मोनेटाइज हो गया तो भाई यार डॉलर ही छोड़ डॉलर मतलब आपके पास पैसे ना स्टार्ट हो गया, कितनी कितना कमा रही हो तुम लोग, मेरे बहनों और मेरे भाइयों, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। YouTube अगर आसान होता ना तो आज गली में बैठा फकीर भी YouTube खोल के बैठा होता। इतना आसान नहीं होता YouTube मेरे बहन भाई को, टाइम लगता है आपका, आप जब तक उस पर ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट ही करोगे ना आपके डॉलर नहीं छपते, ठीक है। बड़ी ऑर्डर कर ली जितनी मेहनत आप 4000 वॉट टाइम पूरी करने में करते हैं ना, तो मोनेटाइजेशन के बाद आपका असली काम शुरू होता है। और वो काम क्या है, जो लोग YouTube पे हैं उनको ये बात पता है, लेकिन जो लोग YouTube पे नहीं है उनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन में मैं इजाफा करते चलूं कि मोनेटाइजेशन के बाद ना आपको $100 कंप्लीट करने पड़ते हैं। $100 ये एक छोटी बात नहीं है यार, मतलब $1 कंप्लीट करना ना $1 ये बहुत मुश्किल, और ये किसी यूट्यूबर ने आप लोगों को नहीं बताया होगा, है ना, ऐसी बात है ना, $100 करने बताया होगा लेकिन बहुत कम लोग, मतलब उस तरह से कि कैसे होंगे किस तरह होंगे प्रोसेस सारा क्या चल रहा है। यस
अब जो था ना, अब हमारा मोनेटाइजेशन तो हो गया, लेकिन अब वो $100 कैसे कम्प्लीट होंगे? $100 इस तरह कम्प्लीट होंगे कि हम लोग वीडियोज डालेंगे, ठीक है, जितनी वीडियो डालेंगे, जितने व्यूज आएंगे, जितने लोग हमें देखेंगे, ठीक है, हमारे उधर $100 कम्प्लीट होंगे गूगल एडसेंस के ऊपर। पिन आएगी, का सारा प्रोसेस, सब कुछ हम आपको साथ गाइड करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों में से, आप सब में से जो यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं, यार आप जरूर शुरू करो। आप सिर्फ ये देखो कि आपके स्किल्स के हैं, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आज शुरू करो, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब आपको बहुत टाइम लगाता है, बहुत, इसलिए आज यूट्यूब चैनल खोलो, बहुत टाइम पूरा करो, और साथ हमारी वीडियो देखना मत भूलना अगर तुम लोगों ने मोनेटाइजेशन करनी है, अपनी आपने थोड़ी सी अर्निंग करनी है। और यार मतलब लोगों ने ये इस टाइम क्या कि फेसबुक के बाद आपके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, वो फिलहाल फिलहाल मोनेटाइजेशन के बाद आपके पास आसमान से डॉलर गिर रहे हैं। मेरे पास, मैंने तो जी वैगन ऑर्डर कर लिया, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आ भी जाएगी। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यार ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है, ये कोई बचाओ खेल, ये कोई ना, जितना आप बिजनेस में अपना टाइम लगाते हो, जितना आप जो है ना कोई भी कारोबार हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी कुछ भी हो, जितना आप उसमें बैठ के टाइम लगाते हैं, जितना आप उसमें मेहनत करते हैं यार, ये यूट्यूब समझ लें आपकी एक जॉब वाली जगह है, एक कि जहाँ पे आप आके ना रोज एक मेहनत कर रहे हो, एक काम कर रहे हो, एक वीडियो बना रहे हो। लोगों को लगता है कि वीडियो बनाना बहुत आसान बात है, और मतलब अभी भी जिस तरह हम वीडियो बना रहे हैं ना, ये कहानी थोड़ी हम अगली आराम से अगली वीडियो का ही छोड़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। हम सिर्फ मोनेटाइजेशन की बात करने आए थे, तो अब और आपको ये बात कहने के लिए आए थे कि यार तुम लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा व्लॉग डालने में सुस्ती की, तो तुम लोगों ने देखने में सुस्ती की। गलती हमारी भी थी, गलती आप लोग भी थी, इसलिए गलती आप भी दुरुस्त करें, हम भी दुरुस्त करेंगे, तो हमारी वीडियोस देखें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम उनका कुछ करके दिखाना चाहते हैं, बाकी जो नेगेटिव बोल रहे हैं यार तुम लोग बोल, मेरी नेक्स्ट वीडियो में ना यार लेके आने लगे आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, ठीक है, इसलिए उस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, लाइक करो, यहाँ पे सब्सक्राइब करो, जो लोग मेरे डीएम्स करते हैं, यार मैं आप सबकी एक एक बात सुनूंगी, ठीक है, अगर आप बिला झिझक, अगर आप लोगों में से कोई भी, एक बात याद आई कि यार आप लोग डीएम में इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, तो यार वो यहाँ नेक्स्ट वीडियो के लिए वो कमेंट में क्या बताया, अगर दुनिया को पता चले आप लोग वाकई इतना प्यार दिखाते हो, आप लोग डीएम ना करते हैं, 90 पैराग्राफ भेज रहे हो, आपने ये कर दिया, खैर आप लोगों ने जो है ना, अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है, आप नीचे कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। हमारे में कोई एटीट्यूड नहीं है कि हम आपको जवाब देंगे, आप डीएम कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू है, लेकिन डीएम ये नहीं होना चाहिए हाय हेलो कैसी हो ठीक हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए, वी आर अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। खैर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छी प्यारी सी वीडियो में, तब तक अपने अपना ख्याल रखिएगा और मेरी अच्छी वीडियोस देखने का इंतजार करिएगा। अल्लाह हाफिज़।